बाहा यानी सरहुल, सरायकेला जिले के चांडिल, इचागढ़, नीमडी आदि के आदिवासी सेंद्रा यात्रा निकाला। सेंद्रा यात्रा में शामिल संथाल, मुंडा, उरांव, खड़ियार, बिरहोर आदि कई आदिवासी समाज के लोग इस सेंद्रा यात्रा में शामिल रहे, साथ में सफलतापूर्वक इस सेंद्रा यात्रा को की। आज हम लोग एक जंगली सुअर का सेंद्रा किए हैं। हम लोग का परंपरा के अनुसार जो बाहा पर्व के दूसरा दिन जो हम लोग बाहा सेंद्रा के नाम पर हम लोग जानते हैं और सेंद्रा भी हम लोग करते आ रहे हैं पूर्वज से, तो वही हम लोग आज बाहा सेंद्रा है, बाहा सेंद्रा हम लोग किए हैं और यही हम लोग का चांडिल वाला जंगल में हम लोग आज जंगली सुअर का आज सेंद्रा किए हैं। अभी हम लोग के सामने मौजूद है समाज सेवी सुधीर किस्कू, तो इन्हीं से जानते हैं आइए कि बाहा सेंद्रा जो है कब मनाते हो और बाहा सेंद्रा कब से स्टार्ट हुआ है और कब से बाहा सेंद्रा करते हैं, तो परिचय पहले दीजिए। नहीं, मेरा नाम है सुधीर किस्कू, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आदिवासी संथाल समाज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये जो शिकार जो है सेंद्रा में शिकार कहते हैं, ये कब से शुरुआत था आप? ये जब से हम गांव में बसते हैं, मेरा गांव पाला जंगल झाड़ के में ही हम बसे हैं, इसीलिए हम उस जीव जंतु से बचने के लिए हम उस पेड़ पत्थर और मिट्टी को पूछते हैं, उसी को हम सच मानकर हम गांव बसाते हैं। और गांव बसने के बाद ये जो हम बाहा बोंगा जो करते हैं, इसका भी एक उद्देश्य है। बाहा बोंगा इसलिए क्योंकि हम जंगल में रहते हैं और जंगल में जीव जंतु रहते हैं, तो जीव जंतु कभी भी हमसे आक्रमण कर सकता है, तो उसको वो हमको आक्रमण ना करे, इसीलिए हम लोग बाहा सेंद्रा निकलते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो सेंद्रा का जो उद्देश्य है कि
कि उसको सेंद्रा के माध्यम से उसको डराते हैं कि हम आपसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, सक्षम हैं, आप हमको रहने दीजिए, है ना, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ। और इसी प्रकार आज हमारा आदिवासी वही जंगल में ही हम लोग बास करते आए हैं, वो जीव जंतु के साथ ही हम लोग रहते आए हैं, यही हमारी पहचान है। सेंद्रा इसलिए करते हैं, हम लोग पहले साक्षी मानते हैं, जो जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल में पेड़ भी है, पत्थर भी है और मिट्टी भी है। इसीलिए हम बहा बोंगा के दिन हम पहले उनको पूछते हैं, किसको, पेड़ को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं, मिट्टी को पूछते हैं, जहाँ जीव जंतु बास करते हैं। तो उस इसीलिए हम उस जहाँ बास करते हैं और वहाँ हम भी बास करते हैं, इसलिए हम उनको पूछते हैं और उन्हीं का ही शरण में रहकर ही हम उनका सेंद्रा मेरा उसको हत्या मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा सेंद्रा का उद्देश्य है उसको डराते हैं कि भाई मैं भी आपका जगह पर ही हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, यही हमारा परंपरा रहा है। हम लोग के साथ एक भाई मौजूद है, तो आइए जानते हैं, परिचय लेते हैं। सबसे पहले भैया, पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम जगदीश सिंह सरदार है और मैं यही चांडिल का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, बताइएगा आज जो इतना सारे जनसंख्या दिखे, बहा पर्व और सारुलपुर में क्या अंतर है? एक्चुअली बहा पर्व और सारुल पर्व में अंतर कुछ नहीं है। एक्चुअली जो भाषा है, सरुल शब्द जो हो गया, ये हमारा जो छोटानागपुर का जो भाषा है, चाहे आप पंचपरगनिया का बात करें या नागपुरी भाषा जो भी है, तो इसमें जो है हम लोग उसको सरुल कहते हैं। और बहा जो हमारा ट्रैवल लैंग्वेज है, बस इतना ही फ़र्क है और बाकी दूसरा कुछ और फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम क्या? मानिक सिंह सरदार, मैं चुहाड़ सेना का, मैं एक वर्तमान में अध्यक्ष के पद पे हूँ। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ चांडिल में कैसे लगा? चांडिल आज सिंद्रा जो है, इसमें हम सब आमंत्रित हैं, चुहाड़ सेना के सभी सदस्यगण, हम लोग भूमि समाज से, और इस उपलक्ष्य में हम लोग विभिन्न क्षेत्र से सभी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं और इस मंच में हम लोगों को दो बातें रखने का भी मौका दिया। तो हम हर मंच से ही आवाज़ रखते हैं, जो वर्तमान समय में जिस समय से दीकुओं के द्वारा, जैसे कि आज सिंद्रा है, तो जिस तरह से वर्तमान में जिस तरह का बाहरी लोगों के द्वारा जो हमारे भाषा बोली है या संस्कृति बोली है या इतिहास बोली है, हर चीज़ में हमारा सेंधमारी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज जो सेंद्रा है, आज हमारे सभी आदिवासी को गोलबंद होने की ज़रूरत है और हम सबको ऐसे लोगों को भी सेंद्रा करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर हमारे कहाँ भाषा संस्कृति कहाँ रह जाएगी। फिर जब हम लोग बात करते हैं आदिवासी एकता जिंदाबाद, तो सिर्फ हमारे लोगों आदिवासी तक ही सीमित जाना, एकता नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जो भी आने वाले समय में है गोलबंद होकर जवाब देने की ज़रूरत है। मेरा नाम हुआ भद्र सिंह मुंडा, मैं आदिम भूमि मुंडा सरना समिति के अध्यक्ष हूँ, दो पंचायत के अध्यक्ष हूँ। और आज जो बाहर मैंने बहा सिंद्रा यात्रा निकाला गया, ये हमारी बहुत ही पारंपरिक रहा है। और ये बहा सिंद्रा का अर्थ होता है कि सरुल, बहा मतलब फूल होता है और सिंद्रा मतलब शिकार। ये आदिवासियों का परंपरा है और ये आदिवासियों की परंपरा को बचाए रखने हेतु आज ये यात्रा को, मैंने इचागढ़ से चौका होते हुए चांडिल गोलचक्कर होते हुए स्टेशन से लेकर अनुमंडल के परिसर माझी महल दिशम जाहिर स्थान पर समापन किया गया। और इस अवसर पर इसको जो हम लोग मानते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये अपनी मन शांति के लिए, अपने देवता की शांति के लिए मनाया जाता है। और इसी क्रम में आज हमारे आदिवासी भाई लोग जहाँ कहीं भी, वो लोग सदर यानी कि सिटी और शहर नहीं जानता है, वो लोग विशेष करके झूठ जंगल झाड़ी कहीं, मैंने क्या बोलेंगे, जैसे सुरंग और वैसे जगहों में भी रह करते थे। आज वैसे ही परिस्थिति में आज हम लोग बसे हुए हैं, जहाँ भी देखिए, जिस भी जंगल में देखिए, आदिवासी लोग बसे हुए हैं। और ऐसा बसे हुए हैं कि शहर के लोग देखने से डरता है कि लोग कैसे जीवन यापन करता है,
लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आदिवासियों की परंपरा है, आदिवासियों की जो एक प्रकृति से संबंध है, प्रकृति से जुड़ा हुआ एक मैंने अभिन्न अंग जैसा समझ करके बसवास किए हुए हैं, और इसी विश्वास से आज जंगली जानवरों से भी एक मैंने अपूर्ण विश्वास है, अपूर्ण विश्वास है, और विश्वास के साथ उन जंगली जानवरों के साथ भी रहा करते हैं। यही हमारा परंपरा है। और यही सेंद्रा के समय, सेंद्रा जो हुआ, सेंद्रा के समय हम लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये हमारी परंपरा है, बचाने के लिए हम लोग सेंद्रा करते हैं। हमारा खाने के लिए मांस मैंने उतना महंगा चीज़ नहीं है, हमारा बहुत कुछ है घर में बाहर में, लेकिन हम लोग सेंद्रा जो करते हैं, ये सेंद्रा हमारी मैंने सिर्फ हमारा एक परंपरा बचाने के लिए किया गया है। जोहार, मैं रविंद्र सरदार, चांडिल प्रखंड का आदिवासी भूज मुंडा युवा संगठन का अध्यक्ष, और साथ ही साथ हमारे जो झारखंड प्रदेश में चुवाड़ सेना बनाई गई, उस चुवाड़ सेना के उपाध्यक्ष हैं। आज हमारे इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा को बचाए रखने के लिए सारे आदिवासी समुदाय की ओर से एक जो हमारा परंपरा है सेंद्रा का, उस सेंद्रा का हम लोग सब मिलकर इस क्षेत्र में मनाएं, और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जो भी गैर आदिवासी लोग हैं, जो हमारे समाज के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या हमारे इतिहास को लूट कर आदिवासी बनने का कोशिश कर रहे हैं, हम सबको वैसे लोगों को भी सेंद्रा करने की ज़रूरत है। ये इस मीडिया के माध्यम से तमाम मैं आदिवासी लोगों को और हमारे साथ जो खड़े हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और प्रकृति को बचाए रखें, संरक्षण करें, और प्रकृति तभी बचेगा जब आदिवासी बचेंगे। जोहार।